नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल राहुल शंजी फिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से आप सभी लोग सामने वीडियो के माध्यम से नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूँ। बहुत सारे उम्मीदवारों के कमेंटों का आंसर देने आया हूँ। इसमें मैं बताने वाला हूँ कि बहुत सारे उम्मीदवार एवरीडे मेरे को कमेंट करके पूछते हैं, जो मैं कट ऑफ की वीडियो डाली हुई थी मैंने पिछली बार, कि सर हम बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, इस स्टेट से, इस बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से हम बिलोंग कर रहे हैं, या हम नक्सल एरिया से बिलोंग कर रहे हैं, या हम जनरल एरिया से बिलोंग कर रहे हैं, सर तो इस लोकेशन से हमारा कितना कट ऑफ जाएगा। तो कमेंट करके वो लिख देते हैं कि सर हमारे इतने मार्क्स आए हैं, काट पीट के इतना हो रहा है, तो बताइए कि हमारा चांस है कि नहीं। तो इस वीडियो में आपका डाउट क्लियर करने वाला हूँ। हर एक स्टेट की मैं बात करूँगा, जितना पॉसिबल होगा उतनी स्टेट की मैं बात करूँगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के ये कमेंट आ रहे हैं कि सर, ज़्यादातर स्टूडेंट की मैं अगर बात करूँ तो जो बिलोंग करने वाले स्टूडेंट थे जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज़्यादा डाउट आ रहा है, क्योंकि उनके मार्क्स कम है और कम है, साथ ही वो ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हैं यहाँ पर कट ऑफ ऊपर जाने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। जैसे हम बात करें यूपी की, बात करें राजस्थान की, बात करें बिहार की, बात करें हरियाणा की, बात करें, तो ये वो स्टेट्स हैं यहाँ से कट ऑफ ऊपर जा सकती है, उछाल मार सकती है। तो यहाँ से हमको फिजिकल के लिए या आगे मेरिट में आगे बढ़ने के लिए मोर देन कितने मार्क्स की आवश्यकता होगी और हमारा सिलेक्शन हो सकता है। साथ ही मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इस बार जो सबसे ज़्यादा पोस्ट जो निकली हुई है, आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि इस बार जो 25,271 की जो वैकेंसी आई हुई है, उसमें मोस्ट ऑफ दी सीट जो है, पोस्ट जो है, वो जिस फोर्स के लिए है, मैं आपको बता दूं, एक तो बीएसएफ है और दूसरी आपकी क्या है, सीआईएसएफ। तो साथ ही हम बात करेंगे कि इस बार कौन कौन से उम्मीदवारों का चांस है सीआईएसएफ के लिए और बीएसएफ के लिए। तो बात कर लूँ कि इस बार आपको बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को, बहुत ज़्यादा उम्मीदवारों को इस बार पक्का खुशखबरी के साथ बोल रहा हूँ कि सीआईएसएफ या बीएसएफ में से कोई भी आपको मिलने वाली है। एसएसएफ के और एसएसबी के थोड़े से चांसेस कम है, क्यों कम है वो भी बताएंगे आपको। चलिए, तो आज की वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, अच्छा टॉपिक है, तो एक एक स्टेट की जितने भी पॉसिबल उनकी बात करेंगे। तो ये वीडियो सभी उम्मीदवारों के लिए, ज़्यादा मार्क्स वालों के लिए, कम मार्क्स वालों के लिए, सभी उम्मीदवारों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल रहने वाला है ये। तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखिएगा बिना स्किप किए। साथ ही आप में से कोई भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन को टाइम टाइम मिलते रहे, क्योंकि मैं एवरी डे एसएससीडीडी पर काम करता रहता हूँ और आप लोगों के लिए नई इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहता हूँ। और साथ ही आप में से बहुत सारे उम्मीदवारों के मैं कमेंट भी पढ़ता हूँ और उनके आंसर देने की कोशिश भी मैं करता हूँ। चलिए, बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, टॉपिक की बात करेंगे। चलिए, बात करेंगे SSC GD की जो कट ऑफ है वो सेंट्रल रीजन से कौन कौन से स्टेट से कितनी जाने वाली है, तो उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करूंगा उत्तर प्रदेश एंड बिहार की। तो उत्तर प्रदेश से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उसका मैं स्क्रीन शॉट उसको लगा दूंगा यहाँ पर, तो आप वहाँ पर देखना कितना क्या जा रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश एंड बिहार से जनरल वालों का जो कट ऑफ गया हुआ है 75 पिछली बार, और OBC वालों का गया हुआ है 72, SC वालों का 68 और ST वालों का 68 और एक्स्ट्रा सर्विसमैन वालों का 70। अब आप यहाँ से अंदाज़ लगा सकते हैं कि जनरल डिस्ट्रिक्ट से जो उत्तर प्रदेश और बिहार की बात कर रहे हैं, वहाँ से जनरल का कट ऑफ पिछली बार कितना गया, 75। अब थोड़ा सा मैं लेता हूँ अंडमान निकोबार, अब इसकी बात सुन लीजिए। अंडमान निकोबार की बात करें तो अंडमान निकोबार हो गया, झारखंड हो गया आपका, उड़ीसा हो गया, सिक्किम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, इन सब की बात करें तो इन सब का जो जनरल का पिछली बार जो कट ऑफ गया था वो 35 का गया था, 35 के आसपास, और जबकि ओबीसी का कितना गया था, 34। तो ये वो वाले स्टेट्स हैं जहां से आपके 35 यानी कि पासिंग मार्क्स आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। साथ ही एक चीज और है आपके लिए इसमें कि इस बार नॉर्मलाइजेशन में सबके मार्क्स बढ़ेंगे, तो सबको मार्क्स मिलेंगे, तो जो जिसके मार्क्स कम भी आए ना तो उसके अपने आप इंक्रीज हो जाएंगे अल्टीमेटली, तो वो इस लोकेशन तक पहुंच जाएगा, इसको अप्रोच कर लेगा इतने मार्क्स को। अब बात करें छत्तीसगढ़ की, बात करें तो छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ से पिछली बार जनरल का कट ऑफ गया था 65, और ओबीसी की बात करें तो 64 गया था, और SC ST वालों का तो 50 के आसपास ही गया था। और बात करें अरुणाचल प्रदेश की, बात करें तो अरुणाचल प्रदेश से तो बहुत कम गया था पिछली बार, 35, और ओबीसी का 34, तो मतलब 35 के ही रेंज में सभी कैटेगरी का आसपास गया हुआ था, ठीक है। तो ये कुछ, जैसे एक और एक आध और ले लेते हैं, जैसे कि मैं ले लेता हूँ आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश का जनरल का गया था 40 और ओबीसी का गया था 35, और जो और SC ST कैटेगरी वाले हैं उनका 30, 32 और 33 के आसपास गया था, ठीक है। तो ये मैंने किस रीजन की बात की, सेंट्रल रीजन की बात की। पहले आप एनालिसिस सुनिए, फिर बात समझाते हैं आपको कहना क्या चाह रहे हैं। अब मैं बात बताता हूँ आपको
नक्सल एरिया की, नक्सल एरिया की बात करें तो नक्सल एरिया से आंध्र प्रदेश का जनरल का कट ऑफ गया था पिछली बार 42, तो आप देख रहे हैं जनरल के कंपैरिजन में आंध्र प्रदेश से कितना कम कट ऑफ गया। बिहार की बात करें तो बिहार का नक्सल एरिया से लगभग जनरल एरिया के बराबर ही कट ऑफ गया 63, तो यहां से थोड़ा खतरा है बच्चों को, बिहार वालों को। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ का नक्सल एरिया से 43, मध्य प्रदेश की बात करें तो नक्सल एरिया जो मध्य प्रदेश में लगता है 58, झारखंड की बात करें 58, ये मैं जनरल वालों के बता रहा हूँ। महाराष्ट्र की बात करें नक्सल एरिया से तो 48, उड़ीसा की बात करें नक्सल एरिया से 35, उत्तर प्रदेश की बात करें तो नक्सल एरिया से 69, और वेस्ट बंगाल की बात करें तो नक्सल एरिया से 45। तो जनरल के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम गया है, लेकिन कुछ स्टेट से उसी के जनरल के बराबर गया हुआ है। ये किसकी लिस्ट बताई मैंने आपको, यस ये नक्सल डिस्ट्रिक्ट की स्टेट बताई मैंने, हर स्टेट का आपको उसका कट ऑफ बताया। अब बात करते हैं आखिरी बॉर्डर, बात करते हैं बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की। तो बिहार से पिछली बार कट ऑफ जो गया था 69, ओबीसी का 66, गुजरात से 45 और ओबीसी का गया था 39, हिमाचल प्रदेश से 50 और ओबीसी का 46, जम्मू कश्मीर से 41 और ओबीसी का 33। इस तरह से मैं एक दो और ले लेते, राजस्थान की बात कर लेते। राजस्थान से बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से बहुत ज़्यादा कट ऑफ गया था पिछली बार 73 और 71 ओबीसी। एक और बात कर लेते उत्तर प्रदेश की, बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं 73 और 70 किसके लिए, ओबीसी 73 जनरल वालों के लिए और ओबीसी वालों के लिए 70। वेस्ट बंगाल की बात करें तो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से पिछली बार गया था 51 और ओबीसी के लिए गया था 52। देखिए ये मैंने आपको एनालिसिस कराया किसका, समझिए जरा बात को, जनरल, नक्सल और बॉर्डर। अब तीनों को समझ लीजिए एक बार। बात करें जनरल, तो जो स्टेट जिसमें जनरल डिस्ट्रिक्ट आता है केवल वहां की कट ऑफ सबसे ज्यादा जाती है, और वो वाले स्टेट जिसमें जनरल डिस्ट्रिक्ट और नक्सल डिस्ट्रिक्ट दोनों आते हैं, वो वाली स्टेट जिसमें जनरल डिस्ट्रिक्ट, नक्सल डिस्ट्रिक्ट और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट तीनों आते हैं, तो उस स्टेट का क्या होता है। तो मैं बता दूं कि जिसमें तीनों चीजें आती हैं, जनरल डिस्ट्रिक्ट भी आ रहा है, नक्सल डिस्ट्रिक्ट भी आ रहा है और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट भी आ रहा है, तो वहां पर सबसे ज्यादा कट ऑफ जाएगी। पिछली बार गई थी 2018 में जनरल डिस्ट्रिक्ट की, उसके कम गई थी नक्सल डिस्ट्रिक्ट की और उससे कम गई थी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की। जैसे बिहार की बात करें तो बिहार से किसी बंदे ने, अगर पिछली बार कट ऑफ की बात करें तो बिहार से मान लीजिए जनरल से उसके 75 मार्क्स थे, नक्सल से उसी स्टेट से, नक्सल से नक्सल डिस्ट्रिक्ट से उसके मार्क्स थे 65 और उसी स्टेट से बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से उसके मार्क्स थे 60। तो आप देख रहे हैं कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट वाले ने बाजी मान ली बिहार से, क्योंकि 60 में उसका सिलेक्शन हो गया, ठीक है, जबकि जनरल डिस्ट्रिक्ट वाले का सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो इस तरह से जिस स्टेट में तीनों डिस्ट्रिक्ट पड़ रहे हैं, जनरल डिस्ट्रिक्ट भी आ रहा है, नक्सल डिस्ट्रिक्ट भी आ रहा है और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट भी आ रहा है, तो सबसे ज्यादा बेनिफिट वहां पर कौन ले जाते हैं, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट वाले ले जाते हैं, उससे कम नक्सल वाले, फिर उससे कम जनरल डिस्ट्रिक्ट वाले। तो पिछली बार 2018 में क्या हुआ था कि भाई कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई गई थी, तो कट ऑफ हाई गई थी तो बहुत सारे उम्मीदवारों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ गई थी और बहुत सारे उम्मीदवारों को सिलेक्शन नहीं हो पाया था, क्योंकि कट ऑफ भी हाई चली गई थी, जनरल की बहुत ज्यादा हाई चली गई जनरल डिस्ट्रिक्ट से, उससे कम ये। लेकिन इस बार आपकी बहुत अच्छी किस्मत है, क्योंकि इस बार नेगेटिव मार्किंग है, तो नेगेटिव मार्किंग की वजह से बहुत सारे उम्मीदवार हैं, सबके मार्क्स बिल्कुल नीचे चले गए, ज़्यादा होशियार भी थे, ज़्यादा मार्क्स लाने वाले भी थे, उनके मार्क्स तक भी कम आए इस बार। तो उस वजह से आपके लिए बिल्कुल चांस है, इस बार मैं ये पक्का कह रहा हूँ कि इस बार इतना ज़बरदस्त चांस है आप लोगों के लिए, क्योंकि कम मार्क्स में ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को जिसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट आई हुई है इस बार एसएससी जीडी में, CISF की और BSF की, तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को CISF मिलने वाला है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को BSF मिलने वाला। बहुत कम उम्मीदवार ऐसे होंगे जिनको SSF या SSP मिल सकता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, और साथ ही आप में कोई अभ्यर्थी नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लव यू दोस्तों, गुस्सा नहीं होना, जय हिंद।